अंधेरी होती जिंदगियों को बचाना है, मानवता की सेवा में हर सांस लगाना है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रेशम, आपका स्वागत है सच चैनल पर। और आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, जहां पर आयोजित किया जा रहा है 28वां यादे मुर्शिद फ्री आई नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। बता देना चाहेंगे आपको, ये शिविर का आयोजन हर वर्ष यहाँ की जो दूसरे पातशाही शाह सतनाम जी महाराज हैं उनकी पुण्य, उनकी पावन स्मृति में आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी अंधेरे की ओर गर्त होने जा रही होती है, लेकिन मानवता की सेवा में अग्रसर ये संस्था हर वर्ष यहाँ पर शिविर, जांच शिविर का आयोजन करती है। और उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 28वां जो कैंप है आयोजित किया गया है। और इस कैंप में आपको बता देना चाहेंगे कि ये कैंप कल 12 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार 15 तारीख तक चलेगा। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे की, इस तरह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जो कि 10 तारीख से शुरू है, लेकिन आज भी ये कार्य बखूबी लगातार इन सेवादारों द्वारा किया जा रहा है। और 28वां ये जो फ्री आई कैंप है, परम पिता शाह सतनाम जी महाराज की पुण्य पावन स्मृति में लगाया गया है। और बता दें कि शाह सतनाम जी रिसर्च एंड फाउंडेशन सिरसा की ओर से इस कैंप का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। और फ्री आई कैंप होता है ये, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बहुत से ऐसे लोग हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि इस कैंप से लाभान्वित होते हैं। इससे पहले हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इस कैंप का लाभ उठा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया का जो है वो उनके ऑपरेशंस होते हैं, विशेषज्ञ टीमें होती हैं डॉक्टर्स की, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं उनकी, जो कि शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से हमारे पास यहाँ मौजूद रहते हैं। और आप पीछे की तरफ देखते जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये जो है आयोजन हर वर्ष किया जाता है यादें मुर्शिद नेत्रदान शिविर कैंप में। आप देख रहे हैं किस तरह से स्कूली बच्चे भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, जो इस नेत्र में अपना चेकअप करवाने आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि स्कूली लेवल से ही ये इनके लिए एक बहुत बड़ा एक कदम कहा जा सकता है कि जहाँ पर ये लाभान्वित होने आए हैं। और यहाँ पर फ्री जो है नेत्र जाँच की जा रही है, और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जो है आगे कैबिन्स बने हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है मैनेजमेंट यहाँ पर नज़र हमें आ रही है। ये देखिए किस तरह से हर आयु वर्ग के जो लोग हैं इस कैंप में शामिल हो रहे हैं, और ये रजिस्ट्रेशन का कार्य यहाँ चल रहा है। और बड़ा उत्साह इस चीज़ को लेकर हम देख सकते हैं कि लोगों में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहिबान की बात करें, सेवादारों की बात करें, जो जज्बा है वो काबिले तारीफ़ है। और जब जब भी कभी इनसे बात होती है तो यही बात निकल कर सामने आती है कि ये सब कार्य जो हैं, ये सब प्रेरणा जो है, ये पावन रहनुमाई में की जाती है, पावन रहनुमाई में ये सारे किए जाते हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन रहनुमाई में। जी हाँ, धन्य है ये मुर्शिद कामिल जिन्होंने ये प्रेरणा दी है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं कि आगे का जो कार्यक्रम है, यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरफ ये आप देखिए लगातार जो है जो सेवा के कार्य है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए जाते हैं। और इस तरफ आप देखिए इसे आगे के कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं सच चैनल पर लाइव हैं आज हम डेरा सच्चा सौदा से। और ये जो नेक्स्ट कैबिन आप देख रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर सेवादार बहनें मौजूद हैं आपके सामने। ग्रीनेस जो इनकी वेलफेयर फोर्स विंग की जो यूनिफॉर्म है, यहाँ पर आई विज़न जो है इनका चेक विज़न का काम चल रहा है। और कितने अच्छे तरीके से आप देखिए भारी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। सेवादारों का जज्बा काबिले तारीफ कहा जा सकता है हर कार्य में, ये आपको आगे मिलेंगे मानवता भलाई के कार्य में। देखिए बड़े अच्छे तरीके से हर आयु वर्ग के, छोटे बच्चे भी कहें, महिलाएं कहें, बुज़ुर्ग कहें, अधेड़ उम्र की महिलाएं, सब आपको यहाँ नज़र आएंगी। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम में, यानी इस नेत्रदान शिविर में, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैनेजमेंट की बात करें, बहुत अच्छे से मैनेज उन्होंने किया है, और हर कार्य जो है डेरा की तरफ से बड़े ही तरतीब से, बड़े ही अच्छे तरीके से किया जाता है। इसका मोहताज नहीं है कि परिचय करवाया जाए डेरा सच्चा सौदा का, क्योंकि 134 मानवता भलाई के ऐसे कार्य हैं जो लगातार डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किए जाते हैं, जिनमें खूनदान की हम बात करें तो ट्रू ब्लड पंप की संज्ञा दी गई है,
डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं को। जी हाँ, ये हमारा उससे नेक्स्ट कैबिन है विजन के बाद, विजन की जांच होने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में ये जो महिलाओं की कतार है बैठी हुई हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से सेवादार इनके सामने हैं, इनकी देखरेख करने के लिए इनको हर चीज़ की सुविधा मुहैया करवाई गई है। हर बात जो है यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रही है। देखिए, सबकी यहाँ पर जांच हो चुकी है और ये महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं। आप देखिए, कहीं भी किसी भी तरह की ज़रूरत है, एक है कि आपकी जो रोशनी है वो जा रही है, उससे पहले ही उसको बचाया जा सकता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, बहुत बड़ी तादाद में। ये दूसरा दिन है आज, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और ये इस कैंप से लाभान्वित होते आपको नज़र आएंगे। अभी हम आपको थोड़ी देर में अपडेट्स देंगे कि अभी तक कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं और कितना डाटा हमारे पास है कि ये यहाँ पर आज कितने रजिस्ट्रेशन हैं, कितनों को फाइनल स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो आइए हम चलते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर बहन इस कैंप में पहुँची। ये कुछ महिलाएँ हमारे साथ हैं, बात करते हैं इनसे कहाँ से आई हैं और कैसा लग रहा है इनको यहाँ पर। शाह सतनाम जी हॉस्पिटल में जो इनके ऑपरेशंस होने जा रहे हैं उसको लेकर जो कैंप लगा हुआ है उसके बारे में इनका क्या विचार है। जी, क्या नाम है आपका? कुंतला जी। कहाँ से आए? कुंतला राजपुरा से आए हैं जी। जी, आप इस कैंप में पहली बार आए या इससे पहले भी कभी आते हैं? पहले भी आते हैं। आज आप अपना चेकअप करवाने आए? चेकअप करवाने आए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि कैसी सुविधा है यहाँ पर, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत कुछ गुरु का हम दे नहीं दे सकते। हाँ जी, शुक्रिया आपका। देखा अभी आपने, कुंतला जी हैं जो बता रही हैं कि राजपुरा से आई हैं, पंजाब से यहाँ पहुँची हैं। और बात करें अगर यहाँ की सुविधाओं की, तो डेरा सच्चा सौदा में जो सबसे बड़ी बात इन्होंने यहाँ हमें बताई है कि यहाँ इन्हें कोई दिक्कत, कोई मुश्किल महसूस नहीं होती, क्योंकि पग पग पे इनके साथ यहाँ के वॉलंटियर्स, यहाँ के सेवादार हमेशा तैयार रहते हैं, मौजूद रहते हैं इनकी सेवा के लिए। देखिए, अभी हम सच चैनल में आपके साथ लाइव हैं और देख रहे हैं शास्त्रनाम जी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स के सदस्यों के साथ ये जो कैंप का आयोजन, 28वां कैंप यादे मुर्शिद यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। नेत्र दिख रहे हैं, चार स्टेप हमने आपको बताया, आपने उसका अवलोकन किया, खुद भी देखा कि कैसा है यहाँ पर ये नेत्रदान। अभी हम बात करते हैं कि हम IOPD में पहुँचे हैं, जहाँ पे डॉक्टर साहिबान हमारे साथ हैं जो चेकअप कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे से विजन के बाद उनको देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह कितनी शिद्दत के साथ जो है ये कार्य यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में बखूबी निभाया जा रहा है। वाकई ही काबिले तारीफ़ है कि हर वर्ष की भांति ये जो 28वां आप यहाँ देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। और बात करें अगर डॉक्टर साहिबान से, तो डॉक्टर हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर नमस्कार, कहाँ से आए आप? अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। जी, आप इससे पहले कभी ऐसी सेवाएँ दी हैं यहाँ पर पहुँच कर? नहीं, यहाँ पर तो पहली बार है। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ ये जो कैंप लगा है उसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी लार्ज स्केल पे पेशेंट्स आए हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इसका कैंप का लाभ मिलेगा, जो पुअर पेशेंट्स हैं वो अपनी आँख का ऑपरेशन करा के रोशनी पा सकेंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपका अपना एक्सपीरियंस की जो यहाँ की सुविधाएं हैं, यहाँ की जो मैनेज किया गया है सारा सिस्टम, वो है अप टू डेटेड या जैसा होना चाहिए, उसमें कोई? बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। जिस पेशेंट को चश्मे की ज़रूरत है उसको उसके लिए भेजा जा रहा है, जिसको ऑपरेशन कराना है उसको इन्वेस्टिगेशन करा के ऑपरेशन के लिए लिया जा रहा है, जिसे बाद में OPD में बुला के दोबारा पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं उसको, उस तरह से मैनेज करा जा रहा है। आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है जो यहाँ पे ये सारे प्रबंध हैं कि क्या इसमें कुछ और आपको लगता है कि होना चाहिए? बेसिकली कैंप के हिसाब से देखा जाए तो ये सफिशिएंट है, क्योंकि इतनी लार्ज स्केल पे हर पेशेंट को मशीन पे देखना उपलब्ध नहीं है, तो एक स्क्रीनिंग के तौर पे जो हम पेशेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से सफिशिएंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। अभी आपने देखा कि ये डॉक्टर साहिबान हमारे साथ थी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से, किस तरह से उन्होंने बताया कि जो यहाँ के प्रबंध हैं वो वाकई ही काबिले तारीफ़ है कि इतने लार्ज स्केल पे यहाँ पे लोगों का पहुँचना, तरीके से यहाँ पर हर जो बच्चा है, बुजुर्ग है, माता है, डॉक्टर्स हैं, अपनी पूरी सेवाएं बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं, शिद्दत से दे रहे हैं। ये भी डॉक्टर साहिबान आपके सामने चेकअप करते हुए, ये बुज़ुर्ग माता, बुज़ुर्ग महिला उनके साथ, और ये छोटी सी लड़की हम देख सकते हैं जिसने ग्रीनस की कुछ ड्रेस पहनी हुई है आई थिंक, तो ये भी बड़े अच्छे से यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। वाकई ही काबिले तारीफ़ है। जब जब बात हुई तो ये सारा श्रेय जाता है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को। जी हाँ, निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनकी पावन रहनुमाई में सारे ऐसे कार्य जो 134 ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं, संख्या कहने में बड़ी आसान है, लेकिन जब ये करने की बात आती है तो हर वक्त हर जगह पे आपको मौजूद दिखेंगे, मौजूद मिलेंगे डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स, जो कि हर
मानवता भलाई के कार्य में हमेशा आगे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे डॉक्टर साहिबान से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो विज़न चेक करने के साथ साथ अगर काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया की कोई प्रॉब्लम है तो उसके यहाँ पर सफल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, और अगर किसी को वैसे दिक्कत है नज़र में, कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी है, तो 40 प्लस के जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि डेरा की तरफ से, यानी यहाँ पर ये जो फ्री हैं चश्मे दिए जा रहे हैं, जहाँ तक हमें पता लगा है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग लाभ उठा रहे हैं इस चीज़ का, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये इस कैंप में मुहैया करवाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनाइज़र हैं या जो प्रबंधक इस चीज़ को देख रहे हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, तो कैसा उनको लग रहा है और क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? जी अभी आप देखिए ये जो है तादाद है बहनों की, ये चश्मे लेने वाले जो यहाँ पर उसका लाभ उठा रहे हैं वो भी काफ़ी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करें उनसे तो जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष है। जी आशीष जी, ये जो चश्मे दिए जा रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये जो आयोजन चेकअप के साथ साथ, ये बहुत बड़ी बात हम देख रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये चश्मे दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो डेरा सतसौदा की तरफ से एक कैंप लगाया जाता है जो हर साल इसका आयोजन किया जाता है, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा, वहाँ के सेवादारों द्वारा एक चश्मे की मुहिम में स्टार्ट की है कि जो लोग दूर से आते हैं जिन्हें नज़दीक दृष्टि देखने में प्रॉब्लम होती है उनको चश्मे मुफ्त दिए जा रहे हैं जी। तो इससे बहुत बड़ा एक साहस है, उत्साह है लोगों में कि हमें कुछ मिला है डेरे की तरफ से, तो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग आशीर्वाद भी देके जाते हैं हम डॉक्टर्स लोगों को कि हाँ भी आपकी तरफ से हमें एक गिफ्ट दिया जा रहा है, और कुछ मेडिसन भी हम फ्री दे रहे हैं जो कि जिसको खुजली वगैरह होती है आँखों में या कोई और जलन वगैरह होती है उसके लिए मेडिसन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। अभी देख रहे डॉक्टर ये आशीष जी हमारे साथ, इन्होंने बताया कि सिर्फ यहाँ जांच ही नहीं की जाती, उसकी सिर्फ भरपाई ही नहीं की जाती उस कार्य की सिर्फ कहने के लिए, कागजी कार्रवाई के लिए, बल्कि प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि हर तरह की सुविधा यहाँ पर लोगों को मुहैया करवाई जा रही है, जो कि वाकई ही काबिले तारीफ है। जी ये बातचीत करते हैं कि ये जो टेबल यहाँ पर लगा है यहाँ पर कौन सा कार्य चल रहा है और क्या सुविधा यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है। जी क्या नाम आपका? ज्योति जी। यहाँ पे कार्य चल रहा है, परामर्श कार्य चल रहा है, जैसे कि इतने लोग कैंप में आईज अपनी चेकअप करवा रहे हैं तो इन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, या मेडिसिन लिख रहे हैं तो वो किस तरह से लेनी है, तो यहाँ पे इनके लिए सुविधा के लिए परामर्श दिया जा रहा है। तो जैसे भी कोई भी चेकअप करवा के आते हैं तो हर मतलब जो भी आंटी है या कोई भी यहाँ पे आके इनको परामर्श दिया जाता है कि अब आपने ये मेडिसिन लेनी है या आगे ऑपरेशन के लिए जाना है या आपने अपना बीपी वगैरह चेक करवाना है, तो सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं इनको, इनकी सुविधा के लिए कि इनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। जी बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखा आपने अभी कि इन सेवादारों ने बताया कि किस तरह से सिर्फ जांच करके ही छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि जो भी कहीं भी कोई भी क्वेरीज है उसके लिए बाकायदा यहाँ पर परामर्श के लिए यहाँ एक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, काउंसलिंग की जा रही है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आ रही है तो उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि वो अपना जो इस कैंप का है भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और ये तादाद आप देख सकते हैं, भारी संख्या में महिलाएँ यहाँ पर अपना चेकअप करवा रहे हैं, जो कि 28वां ये यादें मुर्शिद कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इस तरफ ये मेडिसिन की अभी जैसे डॉक्टर आशीष ने बात की है तो वो भी हमें नज़र आ रही हैं इस टेबल पे। और ये कल से जो शिविर चल रहा है, ये आज उसका दूसरा दिन है, 13 तारीख है, ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और ये कुछ मेडिसिन हमारे सामने पड़ी हुई हैं, कुछ यहाँ पर सेवादार बैठी हुई हैं और ये आई थिंक पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर बखूबी अपनी सेवाएं दे रहा है। तो बातचीत करते हैं उनसे कि कैसा उनको महसूस हो रहा है, क्या ये लग रहा है कि ये जो कैंप्स यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं उनका कुछ लाभ लोगों को मिल पाता है या फिर ये खाना पूर्ति बनकर रह जाते हैं। जी क्या नाम है आपका? सुधा खानता जी। मैं पटियाला से हूँ और 94 में मैंने यहाँ नाम लिया था पिताजी से। यहाँ पे आके हमें बहुत सुकून मिलता है, ये कैंप की सेवा करके हमारे मन को भी बहुत शांति मिलती है और मरीजों का भी यहाँ जो है फ्री में ऑपरेशन होते हैं, फ्री में सारा खाना पीना चलता है, स्टाफ का भी सारा खाना पीना फ्री में चलता है, हमें बहुत खुशी होती है यहाँ पर आके। तो ये जो दवाइयाँ हमें यहाँ नज़र आ रही हैं ये फ्री दी जाती हैं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता किसी का, चश्मे भी दिए जाते हैं, ऑपरेशन भी फ्री होते हैं, सब सेवाएँ फ्री है। इतना 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 खर्चा जो है डेरा की तरफ से किया जाता है, सेवादारों की तरफ से किया जाता है, वास्तव में इसका फ़ायदा नज़र आता है?
बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा नज़र आता है, सब फ्री में सो काम होता है, मरीजों को भी बहुत खुशी मिलती है यहाँ फ्री ऑपरेशन कराना। वो इंतज़ार करते हैं अभी कब जब 13 तारीख आएगी और हम यहाँ पे सरसा में आके अपना ऑपरेशन करवाएं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने अभी बताया कि इंतज़ार रहता है हर वर्ष इस 13 तारीख का और बखूबी यहाँ पर सेवादारों द्वारा इसको निभाया जा रहा है और वो जो सुविधाएँ यहाँ पर पेशेंट्स को चाहिए वो मुहैया करवाए जा रहे हैं। कुछ सुविधाओं का जायज़ा हमने लिया, अवलोकन किया बहनों की तरफ, जो लेडीज़ की तरफ ये डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, और जैसे जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है हर वर्ष की भांति। इस वर्ष के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो आयोजन बड़े अच्छे तरीके से है, तो सोचा कि क्यों ना उनका भी जायज़ा लिया जाए। तो बात करें, अगर जैसे अभी एक बहन बता रहे थे कि यहाँ पर खाने पीने की जो सुविधा है वो भी बड़े अच्छे तरीके से सेवादारों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हम देख लें ये शुद्ध पानी की बोतलें जो कि रखी हुई है, ये ओवन है हमारे पास, ये सारी चीज़ें, ये खाने पीने का उनका जो सामान, जो ये फ्रूट्स हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही सेहतमंद बात की अगर हम बात करें तो ज़रूरी है, ये खाना बड़े अच्छे तरीके से सलीके से पेश करने की बात करें, सब कुछ चीज़ें ढककर रखी गई हैं, कोई भी ऐसी बात हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है जहाँ पर कि हम कहें कि डेरा में जो प्रबंध हैं इस शिविर को लेकर, इस कैंप को लेकर, कहीं ना कहीं उनमें कोताही बरती गई है। और ये भाई जी हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये ग्रीनस की यूनिफॉर्म में हैं, बात करते हैं कि ये जो प्रबंध किया गया है उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी भाई, क्या नाम और कहाँ से आए? विनोद कुमार टोहाना से। जी, ये विनोद कुमार जी हैं, टोहाना से हैं। जी, इस शिविर के बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो आयोजन है, जो आपकी आई थिंक यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, ये डॉक्टरों के लिए खाने के लिए, जो डॉक्टर बाहर से आए उनके खाने के लिए होता है। उन्होंने कभी कोई शिकायत की? नो, हमें तो कभी नहीं आए, खुश होके जाते हैं। जी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ये इस बात की गवाही दे रहा है कि डॉक्टर साहिबान के लिए या सेवादारों के लिए जो भी प्रबंध किए जाते हैं, चाहे वो खाने पीने की बात हो या उनके रहने का बंदोबस्त हो, उनसे वो बहुत ही संतुष्ट रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े स्केल पर जो आयोजन होता है उसमें भी संतुष्टि हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर सेवादार को, डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को हमेशा यहाँ देखने को मिलती है। शाह सतनामजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से, सिरसा की ओर से आप देख रहे हैं 28वां यादें मुर्शिद नेत्र जांच शिविर का आयोजन डेरा सच्चा सौदा के प्रांगण में किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहां पर हमने थोड़ी देर पहले पूरा जायज़ा लिया कि यहां पर जो लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, चेकअप के लिए आ रहे हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं या डॉक्टर साहिबान सुविधाएँ दे रहे हैं, अपनी सेवाएँ यहाँ पर दे रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर संतुष्ट है, इन सब की बातचीत के साथ हम देखते हैं कि जो देख रेख के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई हुई है उनके जो एक सदस्य हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत जी, बात करते हैं क्या कहना है उनका इस शिविर के बारे में। जी पुनीत जी, ये जो विशाल आई कैंप यहाँ पर लगाया जा रहा है, यादें मुर्शिद परमपिता शाह सतनाम जी महाराज फ्री आई कैंप, इसमें जो ओपीडी है, जो चेकअप है, वो यहाँ पर आश्रम में प्रांगण में हो रहा है, और जो ऑपरेशन जिन मरीजों को चयनित किया जाएगा उनके सफ़ेद मोतिया यानी कैटरेक्ट के जो ऑपरेशन है वो शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनमें किए जाएंगे। तो यहाँ पर कई अराउंड 40 के करीब डॉक्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, आई के, फिजिशियन, एनेस्थीसिया अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ और वहाँ पर जैसे बताया वहाँ के ऑपरेशन थिएटर्स में आई डॉक्टर्स हैं, आई सर्जन्स जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। जी, अभी हम देख रहे हैं कि ये कल 12 तारीख से शुरू हो चुका है, जैसे कुछ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, बताना चाहेंगे कि कितने रजिस्ट्रेशन कल तक अगर हम देखें तो हो चुके हैं, और आज जैसे देखा कि सुबह ऑपरेशंस शुरू हुए हैं, तो ये कारवां जो है आई थिंक 15 तारीख तक का टाइम है, तो कैसे मतलब इसके बारे में? जी, ये हर साल 1991 से हर साल ये कैंप लग रहा है, और हर साल यही डेट्स रहती हैं, 12 से 15 तक कैंप चलता है, 12 को ओपीडी शुरू हो जाती है और 13 तारीख को ऑपरेशन शुरू होते हैं। तो कल रात तक करीब 2200 के आसपास पर लोगों ने चेकअप करा चुके थे, जिनमें से करीब एक बार 49 पेशेंट्स अभी एडमिट किए थे, और उनके आज सुबह 13 तारीख को उनके ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। कुछ लोग अभी वेटिंग में हैं, उनको जैसे जैसे उनके टर्न आएगी वैसे वैसे एडमिट करके उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। जी, अभी हम देख रहे हैं कि कल जो थी 12 तारीख का मौसम शायद कोई नहीं भूल रहा होगा, क्योंकि कैसा मौसम था, काफ़ी सर्दी थी, ठिठुरन थी, और यहाँ तक कि बारिश भी पड़ रही थी, फिर भी लोगों का उत्साह हमने यहाँ पे देखा। इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उनको कैसा लगा और कैसा ये माहौल जो रहता है, क्या हमेशा की तरह ऐसे ही रहता है या सिर्फ कल का दिन ही हमें ऐसे देखने को मिला?
हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि जिस तरह का मौसम था, बल्कि जो डॉक्टर साहिबान काफ़ी दूर दूर से बाहर से भी आए थे, वो भी इस बात को देख के हैरान थे कि लगातार बारिश होती रही, इतनी ठंड थी, फिर भी मरीज इतने संख्या में मरीज आए, और जो सेवादार थे उनकी जो सेवा का जज्बा था, और जो डॉक्टर जो बाकी जो सत्संगी डॉक्टर हैं जो सेवा का जज्बा था, उनमें कोई कमी नहीं दिखी। तो बाहर से आने वाले भी जो डॉक्टर से बड़े इस पर हैरान थे और बड़े इस पर देख के खुश भी थे। तो इसी तरह ही जैसे कल चला, इसी तरह ही आज भी OPD शुरू हो गई, उसी तरह चेकअप, उसी तरह रौनक जो है सेवादारों के मरीजों की, उसी तरह लगी हुई है, और यही सारा सिलसिला 15 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। अभी आपने देखा डॉक्टर पुनीत ने किस तरीके से संजीदगी से सारी बातें आपके सामने रखी कि इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद भी लोगों का उत्साह इस कैंप को लेकर कहीं भी कम नज़र नहीं आ रहा था।